नमस्कार, वेलकम टू स्टडी 24 बिहार जीविका भर्ती के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने भी जीविका के लिए फॉर्म भरा था, एग्जाम दिया था, तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि वेटिंग लिस्ट प्रकाशित की गई है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे SECC ऑफिस असिस्टेंट और भी बहुत सारे पोस्ट का वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है, और जिनका वेटिंग लिस्ट में नया नाम आया है उन लोगों को काउंसलिंग करवाया जाएगा। काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसकी पूरी डिटेल देखने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखा है जीविका की, यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्टर सेक्शन में आकर आप सारा कुछ देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आ चुकी है वर्ष 2019 की जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें उत्पन्न प्रतीक्षा सूची को प्रकाशित किया गया है। रिक्ति के अनुरूप चयन सूची प्रकाशित की गई है। चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज की जांच की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना बाद में दी जाएगी। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है, सेलेक्टेड लिस्ट और डॉक्यूमेंट लिस्ट। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। तो सूचना बाद में दी जाएगी काउंसलिंग की, और चयनित उम्मीदवारों के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँच जारी करने वाले संबंधित संस्थान विश्वविद्यालय से जाँचों उपरांत सही पाए जाने पर ही नियुक्ति की जाएगी। प्रतीक्षा सूची से चयन किए गए अभ्यर्थियों की सूची देखने के लिए संबंधित लिंक पर क्लिक करें। तो इस लिंक के बारे में कहा जा रहा है, और प्रस्तुत करने वाले दस्तावेजों की सूची संबंधित लिंक पर क्लिक करें। SECC और अकाउंटेंट पर पूर्व में हुए शुद्धिकरण के प्रभाव के कारण प्रतीक्षा सूची क्रम संख्या में सुधार किया गया है, जो सिर्फ क्रम संख्या तक ही सीमित रखी गई है। कार्यालय सहायक पद हेतु यहाँ पे दिखाया गया है, फिर लेखापाल पद के लिए दिखाया गया है, तो बहुत सारे पदों के लिए दिखाया गया है। फिलहाल हम लोग इस पे क्लिक करते हैं सेलेक्टेड लिस्ट पे और डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो ये देखिए डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पोस्ट वाइज दिखाया गया है। अकाउंटेंट का देखिए एक कैंडिडेट है, और उसी प्रकार से आप देखेंगे प्रोजेक्ट एसोसिएट का भी एक कैंडिडेट है। चलिए SECC का देखते हैं, क्योंकि SECC में ही सबसे ज़्यादा कैंडिडेट थे। तो देखिए ये रहा AC का, एरिया कोऑर्डिनेटर का आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिखाया गया है, मेधा अंक भी यहाँ पे दिखाया गया है, और इसके साथ साथ कैटेगरी भी दिखाई गई है, मेल फीमेल भी दिखाया गया है, और मेधा अंक वेटिंग मेरिट लिस्ट भी दिखाया गया है, सेलेक्शन कैटेगरी भी दिखाई गई है। तो यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखिए टोटल एरिया कोऑर्डिनेटर की बात करें तो 76 लोगों का चयन किया गया है फिर से वेटिंग लिस्ट में। अब देखिए चलते हैं, देखते हैं कि CC में, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में देखिए, देखिए ऑफिस असिस्टेंट में भी अच्छी खासी सिलेक्शन लिस्ट प्रकाशित की गई है। देखिए ऑफिस असिस्टेंट में देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टोटल 99 लोगों का चयन किया गया है ऑफिस असिस्टेंट में। वेटिंग लिस्ट में 99 लोगों का नाम आया है, तो आप अपना अपना चेक करिएगा, ठीक है। देखिए बहुत कम अंकों वालों का भी चयन किया गया, देख सकते हैं 44-45 अंक जिनका आया था उनका भी चयन किया गया है। और इसी प्रकार से कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का भी आप लोग आके देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखिए कितने कैंडिडेट का चयन किया गया है, तो यहाँ पे सबसे नीचे आते हैं तो 120 कैंडिडेट का कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में फिर से चयन किया गया है। तो इन लोगों को काउंसलिंग करवाई जाएगी। दोस्तों काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट दिखाया गया है, तो इस पर डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड लगेगा, जो आपका एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड था वो लगेगा। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन किया था उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको देना होगा, ठीक है। ID प्रूफ के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोन बिल वगैरह, राशन कार्ड, कुछ भी इलेक्शन कार्ड दे सकते हैं। और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको देना होगा, आवासीय प्रमाण पत्र, आपको अस्थाई आवासीय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। साथ अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से भी काम चल जाएगा। टेम्पररी एड्रेस के लिए अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो वो भी आपको देना होगा। फ़ोटो आपको लगने वाले हैं, और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा SC ST BC EBC कैंडिडेट को। अगर आप दिव्यांग वगैरह हैं तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र आपको देना होगा। फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड है तो उनका प्रमाण पत्र देना होगा। BC EBC कैंडिडेट को भी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट देना है, नॉन क्रीमी लेयर वाला, ठीक है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपसे मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, सभी सर्टिफिकेट, ठीक है, मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, और अगर आपने कुछ कर रखा है तो उसका सारा का सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल भी दे सकते हैं, मार्कशीट और प्रोविजनल दोनों आपको देनी होगी। और इसके साथ साथ अगर जिस पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगी गई थी उस पोस्ट के अनुसार एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको देनी है।
अगर आप सर्विसमैन पहले से ही हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना होगा, साथ में 3 महीने का सैलरी स्लिप भी लगानी होगी और 3 महीने का बैंक का स्टेटमेंट भी देना होगा। साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लगाना है, आप स्वस्थ स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं उसके बारे में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, और कोरोना से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस दिखाई गई हैं, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको भर के देना होगा, हैंड रिटेन में लिख कर देना होगा कि जो आपने फॉर्म में जानकारी दी थी वो सब सही है, आपके द्वारा दिया गया सारा जानकारी सही है। ये सब चीज़ें जो है आपको डिक्लेरेशन के रूप में देना होगा और कोई भी डिमांड नहीं की जाएगी, तो इसी के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। और ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप लोग आकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी और आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि नई वैकेंसी अब कब आएगी। तो दोस्तों वैकेंसी जीविका में हर 3 साल पे आती है, तो अभी तो 2 साल हुए हैं, अभी कुछ बाकी है। अगर आएगा तो आपके लिए वीडियो फिर से मैं लेकर आऊँगा, और कुछ जानकारी आती है तो मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।